वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ मैथमेटिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा आपका। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है थोड़ा सा एनालाइजेशन लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स के पेपर का, और अगला पेपर जो सोशल साइंस का है उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है वो भी मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले तो हम एनालाइजेशन कर लें। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको तो पेपर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था। नॉर्मल लेवल का पेपर था, उन बच्चों को बहुत ईजी लगा है जिन्होंने बहुत से क्वेश्चंस कवर किए थे, और जो कुछ बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चक्कर में थे उनको थोड़ा सा टफ लगा होगा पेपर, लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत इजी था। मतलब पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा इजी था उन बच्चों के लिए जिन्होंने जो है कंसेप्ट को क्लियर किया है, और उन लोगों के लिए मुश्किल था जो बच्चे सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके चले जाते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आए हैं, ऐसी बात नहीं है, आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पास होने के लिए ये पेपर बहुत सिंपल है, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए यानी 100 मार्क्स या 90 अबव मार्क्स लाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल साइड है ये पेपर। तो अगर मैं लेवल दूँ इस पेपर को, तो अगर 1, 2, 3, 4, 5 डिफ़िकल्टी लेवल अपन बनाते हैं तो 5 में से मैं 3 नंबर देना चाहूँगा इसको डिफ़िकल्टी लेवल पर। ज़्यादा मुश्किल की तरफ भी मैं नहीं जाना चाहूँगा और ज़्यादा ईजी की तरफ भी मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें यहाँ पर, मैं आपको थोड़े से बल्कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स के आंसर क्या क्या हैं, उसको मिलाकर आप देख लेना। और बाकी तो सिंपल सा था, मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस थे, टेंजेंट थ्योरम आई थी, सिमिलर ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस थे, और उसके अलावा जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे। बहुत से क्वेश्चंस वो आए हैं जो हमने वीडियोज़ में कवर कर लिए थे, और ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत से वो आ गए हैं जो कि हमने वीडियोज़ में कवर किए थे। आप बताइए कमेंट्स में कि आपका पेपर कैसा गया है, और ये ऑब्जेक्टिव्स के मैं आंसर बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना कि ऑब्जेक्टिव में आपको जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, और कमेंट में लिख के बताना कि आपको ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है क्वेश्चंस वगैरह में तो उसके हिसाब से आप कैसा लिख कर आए हो, आप पूरा भी लिख कर आए हो, अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो वहाँ पर मार्क्स कैसे कटते हैं वो उसके लिए बाद में एनालाइजेशन हो जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव का एनालाइजेशन अभी आप बता दीजिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे गए हैं, आपको 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट में बिल्कुल प्लीज़ इसको ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले तो मैं जो है हम बढ़ें तो जो है आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में सबसे पहले HCF पूछा गया था, तो उसका HCF आएगा उन दो नंबर्स का 96 और 404 का LCM HCF आएगा आपका 4। फिर उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए C अपॉन A होती है, तो इसका आंसर A है, और पहले वाले का जो आंसर है वो B है। थर्ड का आंसर जो है पूछा गया था ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ कितने हैं, ज़ीरोज़ क्या है, तो प्लस माइनस रूट थ्री उसका आंसर आना चाहिए आपका, यानी कि A आंसर आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें बताना है इसमें ये कंडीशन जो दी हुई है कौन से सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो ये A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 दिया हुआ इसमें, तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। मैंने आपको उस दिन बताया था जब हम इसको ऑब्जेक्टिव जब कर रहे थे उस टाइम पे मैंने बताया था, तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो है फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड है, पैरेलल है या नॉन है, तो हमें इसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 रख के देखना था। जब अपन इसमें देखेंगे तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आएगा, और जब ये कंडीशन बनती है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, तो इसका आंसर A आएगा यानी इंटरसेक्ट। तो इन्होंने A B में ही पूरा जो है चूज द करेक्ट ऑप्शंस निपटा दिए हैं। अब हम जो है चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, कब नो रियल रूट्स कब नहीं होते हैं, यानी इमेजनरी रूट्स कब होते हैं, ये पूछने का मतलब है उनका। तो सिंपल सा इसका आंसर है B² - 4AC इज लेस देन 0 आना चाहिए, तभी इमेजनरी रूट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करें डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि B² - 4AC हमें निकालना है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर बच्चों 0 आएगा, ठीक है। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर ये है, और सेकेंड का आंसर आपका 0 है। थर्ड में बोला गया है ये AP है, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है हमें, ये इसमें दो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, इसमें एक ही है। यहाँ पर जो डैश 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 दिया हुआ है ये AP का सिंबल है कि AP आगे तक जा रही है। अब जो है हमें इसका जो है D निकालना है यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा बच्चों 1। जब आप अगले में से पहली टर्म को माइनस करेंगे तो इसका आंसर माइनस वन आएगा, क्योंकि 1 1 से ये जो है घट रही है AP। फिर उसके बाद में अगर हम देखें
सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी के टाइम पे मैंने बताया था, इसका आंसर जो है 1 है। उसके बाद में फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर है। उसके बाद हम ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, सिंपल है, ट्रू है, ये एक 9th क्लास की थ्योरम है, तो ये ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सारे के सारे स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं, उस टाइम पे मैंने बताया था सिमिलर ट्राइंगल्स चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद बोला गया है एरिया ऑफ राइट एंगल, राइट ट्राइंगल का एरिया बोला गया है हाफ बेस हाइट, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बिल्कुल यही होता है एरिया, ये भी ट्रू है। फिर हमसे बोला गया है लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड, ठीक है, दो पॉइंट्स पर जो सर्कल को लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको सेकेंड बोलते हैं, बिल्कुल सेकेंड बोलते हैं, सही है, ये भी ट्रू है। उसके बाद में बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इन इज द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन वी लोअर द हेड, ये फॉल्स है, क्योंकि उसमें बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है कि जब हम हमारे हेड को लोअर करते हैं, नीचे देखते हैं, तो बिल्कुल ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन दी है और उनमें लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। फिर उसके बाद में देखें हम वन वर्ड्स में आंसर, तो वन वर्ड्स में सबसे पहला मीन निकालने के लिए बोला गया है, 1, 2, 3, 4, 5 का जब हम मीन निकालेंगे तो आंसर 5 आएगा, ठीक है, ये आपका वन वर्ड शुरू होगा यहाँ से, तो आंसर पहले का 5 आएगा, इन सबको प्लस कर लीजिए, 15 अपॉन 5 नंबर से, सॉरी 3 आएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो है 3 आएगा। अब जो है हम देखते हैं द फार्मूला ऑफ मीडियन, मीडियन का फार्मूला बताना है, तो मीडियन का सिंपल सा फार्मूला है एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये जो है मीडियन का फार्मूला होता है, उम्मीद करता हूँ सही लिखा होगा आपने। फिर उसके बाद में बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है, पता होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद क्वेश्चन 4th है कि राइट द फार्मूला ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, के वॉल्यूम का फार्मूला लिखना है हमें, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू, ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फार्मूला है। फिर उसके बाद में लास्ट बोला गया है हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो एक टाइम में हम पैरेलल टेंजेंट सिर्फ 2 ही बना सकते हैं सर्कल के 2 ही पैरेलल टेंजेंट हम एक टाइम में बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 टाइप से बन सकते थे, इसका आंसर 2 आएगा। क्वेश्चन अगर ऐसा बनता कि कितने पेयर ऑफ टेंजेंट पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं, तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता। अगर हमसे पेयर बोला जाता तो हम एक पेयर ये बना दो, दूसरा ये बना दो, तीसरा, ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स बन सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो अभी क्वेश्चन हमें पेपर में दिया गया है, इसका आंसर 2 है, 2 टेंजेंट्स। फिर उसके बाद 5th वाला जोड़ी जमाओ, मैच द कॉलम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका फर्स्ट वाले का जो है आंसर आपका ई आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का आएगा आपका 1/cos θ, सेकेंड वाले का आपका आंसर आना चाहिए एफ। थर्ड का आंसर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत सिंपल सी, नॉर्मल सी और ऐसी आइडेंटिटी है जिसको हम नॉर्मल इंसान कभी भूल नहीं सकता है, इसका आंसर आएगा आपका डी। 1060 की वैल्यू दी हुई है, इसमें √3 आती है 1060 की वैल्यू, तो इसका आंसर आएगा आपका √3 यानी कि सी। फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी इसका ए आंसर आएगा, मीन्स 5th वाले का आंसर ए आएगा। अब बच्चों आप कमेंट में बताइए कि इनमें से कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही गए हैं, कितने मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं, और आप कितने मार्क्स का पेपर करके आए हैं, और आपको वीडियो से हेल्प मिली है या नहीं मिली है वो आप बता दीजिए। उसके बाद में सोशल के बारे में अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो आपको सोशल की प्रिपरेशन इस टाइप से करनी है, अगर आपकी कोई ख़ास प्रिपरेशन सोशल की नहीं है, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उसकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कमेंट में मैंने एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए थे एक चैप्टर के, तो कमेंट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी दे दिए हैं मैंने, तो वो कमेंट में भी चेक कर लेना आप। तो 64 होते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन 64 में से 26 मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं, तो जिनकी खास प्रिपरेशन नहीं है इन 2 दिनों के अंदर, बिल्कुल टाइम कम मिला है हम इस बात को समझ रहे हैं, इन 2 दिनों के अंदर हमें वो 26 क्वेश्चन को निकाल लेना है, मतलब बहुत अच्छे से कर लो उनको,
फिर उसके बाद में अगर टाइम बचता है, कोशिश करो कि एक दिन में ही हो जाए, टाइम बचता है तो बचे हुए जो 64 क्वेश्चंस में से हैं उनको कर लेना। तो सबसे पहले इन्हें कीजिए, फिर वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन है अच्छी तो पहले इन क्वेश्चंस को देख लो जो 60 क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपको कितने याद नहीं है या कितनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है वो कर लो। उसके अलावा अगर आपके पास वक्त बचता है तो आप अध्ययन या बोध के जो है सेट्स में से क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि सोशल में हम जितने क्वेश्चंस करेंगे कम हैं, लेकिन ये 60 क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, 64 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद वक्त बचता है तो और क्वेश्चंस उनमें से कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कुछ सोशल के भी कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह का कुछ होता है तो मैं आपको बताऊँगा, और उसके अलावा जो है सोशल के जितने क्वेश्चंस एक्सप्लेन होने की कोशिश हो पाएगी इन दो दिनों के अंदर वो भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो जैसा भी पेपर गया है उसको आप भूल के अब अगले पेपर्स की तैयारी करनी है अपने को, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपका डाउट हो, जो भी सजेशन हो, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। इसके बारे में भी डाउट हो तो ये भी कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।